हर घट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 ग्रेट मॉर्निंग मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आज की तारीख मैं पहले लिख रहा हूं 24 फरवरी 2018। दोस्तों सीएस एग्जामिनेशन सीएस स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मतलब आज के कुछ घंटों के बाद अभी ये मॉर्निंग के 10 बजे मतलब 24 घंटों के बाद आफ्टर 24 आवर्स दोस्तों आपके लिए कयामत का समय आने वाला है कयामत से कयामत तक। और मुझे मालूम है कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है क्योंकि मैं इन्हीं रास्तों से निकला हुआ हूं। मैंने जब सीए किया सीएस किया सीएमए किया और भी बड़ी सारी डिग्रीज की और आज भी मुझे जब पता होता है कि कल या परसों या उस दिन रिजल्ट आने वाला है दोस्तों मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं आपकी मन की स्थिति इस समय जान सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं आपके मन में किस तरह के तूफान चल रहे हैं क्योंकि आपने अपने लिए बड़ी सारी प्लानिंग आगे की हुई है कि ये ग्रुप होगा तो मैं ये करूंगा फिर ट्रेनिंग फिर ऐसे। और दोस्तों हो क्यों ना मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही करता लेकिन आज मैं इस समय आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं क्योंकि दोस्तों कल 25 तारीख है 25 फरवरी 2018 और आप सबका कल रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको एक बात ये कहने चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट कल आना है ये आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है मुझे मालूम है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपकी लाइफ इसी से डिपेंड हो जाएगी। इस बात को समझिएगा आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आपने अपने 100% एफर्ट्स डाले। भगवान कृष्ण ने भी यही बात बोली थी कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन कर्म कर दू फल की इच्छा मत कर। दोस्तों कहना आसान है लेकिन स्टिल मुझे पता है मन फिर भी चला जाता है लेकिन मैं आज आपको ये समझाने आया हूं कि आपने मन लगाकर पढ़ाई की थी आपने अपने 100% एफर्ट्स दिए थे अब आपकी झोली में जो भी भगवान देगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसमें ही कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई है। मान लेते हैं रामलाल ने दिसंबर 2017 में पेपर दिए और उसका कल ग्रुप क्लियर हो गया पास हो गया सीएस बन गया कंपनी सेक्रेटरी बन गया चार्टर्ड सेक्रेटरी बन गया और एक उसका दोस्त था मोहन जबकि मोहन ने रामलाल को पढ़ाया था रामलाल पढ़ने में थोड़ा सा वीक था उसने मेहनत कम की लेकिन पास हो गया और मोहन ने उसको पढ़ाया और मोहन का खुद का ग्रुप रह गया। मुझे पता है ऐसा होता है खासकर हम सबके साथ होता है फिर हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने इसको पढ़ाया और मेरा नहीं हुआ इसका हो गया। दोस्तों पास और फेल ये जीत और ये हार एक्चुअली में छोटी सी जीत हार है लाइफ की जीत हार नहीं है आप इसको मन से मत लगाना। और अगर मोहन का नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने मोहन के लिए कुछ और भी बढ़िया बात सोची हुई है अभी आपको नजर नहीं आएगी अभी मोहन को पता नहीं चलेगा लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 100% जो मेहनत करता है जो अपने एफर्ट्स देता है जो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करता है और मन लगाकर अपने 100% एफर्ट्स देता है क्योंकि आपके मन को पता है कि आपने 100% एफर्ट्स दिए तो जो होगा आपको उसका सामना करना है। ये छोटी छोटी चीजों का सामना करोगे तो कल बड़ी बड़ी डिसीजंस का सामना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो घबराना नहीं है डरना नहीं है हिम्मत रखनी है सामना करना है और उसके साथ साथ आपको ये जरूर समझना है मैं मोहनलाल को ये जरूर कहूंगा कि भैया एटलीस्ट जब रिजल्ट आ गया वो तेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था
तो मोहनलाल की अब एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप बैठकर खुद अपनी मिस्टेक्स, अपनी कमियां, अपनी गलतियों को ढूंढे, क्योंकि हमें अंदर जरूर पता होता है कि हमने ये गलत किया, ये अच्छा नहीं किया, ये ज्यादा टाइम देना था, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था, ये ऐसे 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 ऐसे। तो दोस्तों, हम बचपन में भी तो गलतियां करते थे और उसका भूल सुधार नहीं करते थे, करेक्शन वर्क नहीं करते थे, 5 बार नहीं लिखते थे। गलती करना कोई बेवकूफी नहीं है। उस गलती को बार 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 रिपीट करना ही सबसे महामूर्खता है। आप गलती करो, नेक्स्ट टाइम नई तरह की गलती करो। तो आज के वीडियो के थ्रू मैं आप सभी सीएस एग्जामिनेशन जिन बच्चों का कल रिजल्ट आना है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा अभी से ही। मैं उनको अंदर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि भगवान करे कि उनको हिम्मत मिले और वो कल वाले रिजल्ट वाले दिन हिम्मत से अपना रिजल्ट देखें और फिर जैसा होगा जो ऊपर वाला देगा वो आप एक्सेप्ट करें। और उसके लिए ज्यादा आप माइंड में ये ना सोचें कि आपकी लाइफ यहां खत्म हो जाती है। लाइफ कभी खत्म नहीं हुई किसी की, और ये छोटी मोटी जीत हार तो लगी आई है। इतिहास गवाह इस बात का कि जिसने ऊपर ऊंचाइयों में गया उसको पहले हार का सामना करना पड़ा है। तो आप उसमें भलाई समझना, आप अपनी गलतियों को निकालना, और भगवान करे कि मैं तो समझता हूं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहने वाला है। हमें दोनों चीजों के लिए सामना करना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी है। तो मैं भूपेश आनंद आप सबको प्यार भरा संदेश कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, और आप एटलीस्ट मुझे यूट्यूब में एक मैसेज या फेसबुक में मेरे को बताएं कि आपका कैसा रिजल्ट रहा और आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।